अस्सलाम वालेकुम। क्रियो के मोड डिज़ाइन ट्यूटोरियल के साथ खुश आमदीद। और आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम वेरिएबल लेआउट देखेंगे, ठीक है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने रेक्टेंगुलर और सर्कुलर लेआउट देखा था, आज हम वेरिएबल का ऑप्शन देख लेते हैं। ये पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक है वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, अभी अगर हम प्रीव्यू करें तो बेसिकली ओरिएंटेशन कुछ इस तरीके की आ रही है, डायरेक्शन जो है वो हमारी सही नहीं आ रही है, मैंने आप लोगों को बताया था। तो मैं यहाँ पे जाके स्टैंडर्ड के ऑप्शन में जाके पहले से एक पार्ट मॉडलिंग के अंदर मैंने एक रेफरेंस वर्क कोऑर्डिनेट बनाया हुआ है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, प्रीव्यू देखता हूँ। अब ओरिएंटेशन सही हो गई है अकॉर्डिंग टू पुल डायरेक्शन, कोर कैविटी के हिसाब से सही डायरेक्शन हो गई है। अच्छा, ये हम रेक्टेंगुलर और सर्कुलर डिस्कस कर चुके थे, आज हम वेरिएबल का ऑप्शन देखते हैं। अच्छा, वेरिएबल के ऑप्शन में हम यहाँ पर तीन ऑप्शन आ रहे हैं। एक के अंदर जो है वो पार्ट की रोटेशन है, दूसरे जो है वो ट्रांसलेशन है एक्स और वाई में, ठीक है, एक्स एक्सिस में। अच्छा, अभी अगर हम यहाँ पर प्रीव्यू में डायरेक्ट क्लिक कर देता हूँ तो आप देखें कि किस तरीके का व्यू आ रहा है, जो हमारा लेआउट किस तरीके का आएगा। ठीक है, अगर हम पहले वाले पार्ट को देखें तो बेसिकली इसका जो एंगल है वो इस वर्क कोऑर्डिनेट यानी जो स्पिन यहाँ पर बना हुआ है इसमें राइट वाली डायरेक्शन जो है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, ये इसके अकॉर्डिंग 0 डिग्री पर है। अच्छा, डिस्टेंस जो है वो 25 है और पार्ट की ओरिएंटेशन भी 0 डिग्री है। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा चेंज करता हूँ, यानी हम वेरिएबल के ऑप्शन में जाके एक एक पार्ट को डिफरेंट ओरिएंटेशन और डिस्टेंस पे सेट कर सकते हैं, जबकि रेक्टेंगल और सर्कुलर के अंदर जो भी वैल्यू हम डिफाइन करेंगे यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था वो इक्वली डिवाइड होगी, कांस्टेंट होगी तमाम नंबर ऑफ पार्ट्स के लिए, जबकि वेरिएबल के ऑप्शन के अंदर हम एक एक पार्ट को जो है वो उसके पैरामीटर्स डिफरेंट डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी इस वक्त यहाँ पर जो है वो जो डिस्टेंस है सेंटर से यहाँ से 12.5 है, इसका यहाँ से सेंटर से ये सेंटर डिस्टेंस जो है ये भी 12 पॉइंट है, ठीक है। तो सबसे पहले अच्छा, इसमें अब मैं जो एक एक करके जो है वो इन ऑप्शंस को रीडिफाइन करता हूँ, फिर आप देखिएगा। लेट सपोज हम इसको कर देते हैं 25, एंटर, ठीक है। और अब हम इसका प्रीव्यू देखते हैं, तो बल्कि मैं इसको स्टार्ट से दोबारा इसको पार्ट ऐड करता हूँ। ये हमारा सिंगल पार्ट सेट हो गया। अब इसको दोबारा इसकी एडिट डेफिनेशन में जाते हैं, वेरिएबल पे क्लिक करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अब हम अभी सिंगल पार्ट आ रहा है, अब यहाँ पे हम पार्ट ऐड कर सकते हैं। पहले पार्ट की जो है वो हम ये जो एंगल है इसकी रोटेशन जो है यानी इसके सेंटर एक्सिस के अराउंड उस वो डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे एक्स की हो गई है वहाँ पे वाई की इंक्रीमेंटल वैल्यूज हो गई। तो सबसे पहले मैं एक्स की इंक्रीमेंटल वैल्यू डिफाइन कर देता हूँ, एंटर, ठीक है। और प्रीव्यू चेक करते हैं तो ये बेसिकली यहाँ से शिफ्ट हो गया। अच्छा, यहाँ पे एंगल में अगर हम मैं 45 डिग्री डाल के एंटर करता हूँ और प्रीव्यू देखता हूँ तो आप ये देखें ये पार्ट जो है अपने सेंटर एक्सिस के अराउंड रोटेट हो गया। अच्छा, इसी तरीके से वाई की वैल्यू भी यहाँ से हम डिफरेंट डिफाइन कर सकते हैं और ये वैल्यू बेसिकली सॉरी ये वैल्यू यानी ये एक्स में जो है वो 50 हो गया और वाई में जो है 40 हो गया और यहाँ पर जो इसका एंगल आ रहा है वो 45 डिग्री आ रहा है। इसी तरीके से अब यहाँ पे हम मल्टीपल पार्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है।
एक्स में लेट सपोज हम 45 ही डिफाइन कर देते हैं, सॉरी एंगल जो है वो हम 0 रख देते हैं 50, और एक्स में -40। -40 का मतलब ये है कि बेसिकली इस लाइन ऑफ एक्सिस से अब नीचे हमारा पार्ट बनेगा, ये देखें। ठीक है, अब इसका एंगल आप लेट सपोज 60 कर दें, ये जिस तरीके से भी आप इसको सेट करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। अब ये बेसिकली इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स हैं यहाँ पर वेरिएबल के अंदर, यानी जो भी पार्ट आप ऐड करेंगे यही वाला पार्ट यहाँ पे ऐड होता जाएगा, और उसकी रोटेशन और ट्रांसलेशन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आप वेरिएबल के ऑप्शन को यूज़ करते हुए मल्टीपल पार्ट्स को ऐड कर सकते हैं और उनको सेपरेटली डिफाइन कर सकते हैं, उसकी ट्रांसलेशन और उस पार्ट की रोटेशन। ठीक है, तो इसकी ज़रा आपने प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर डिलीट पैटर्न कर रहा हूँ मैं, दोबारा से हम इसको देखते हैं। रेक्टेंगल में आपने देखा था कि सेपरेट जो भी वैल्यू हम डाल रहे होते थे वो सब में इक्वली डिवाइड हो जाती थी। इसी तरीके से सर्कुलर में जब हम डिफाइन करते थे, जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी वो देख लें, उसमें मैंने ये सर रेक्टेंगल और सर्कुलर को डिटेल में बताया है। ठीक है, जबकि वेरिएबल के अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर आप सर्कुलर के ऑप्शन पर पहले क्लिक करते हैं, सेट करते हैं और उसके बाद वेरिएबल पर आते हैं, ठीक है, तो आपके पास जो यहाँ पे ऑप्शन आएंगे उसमें एक ट्रांसलेशन का है, एक जो है वो क्या कहते हैं ओवरऑल एंगल का है, ठीक है, और एक पार्ट के सेंटर एक्सिस के अराउंड एंगल का है। ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ पर अगर आप देखें, एक पार्ट 0 डिग्री पे, एक 90 डिग्री पे, एक 180 पे, एक 270 पे। ठीक है, ये बेसिकली 0 डिग्री पर है, 90 डिग्री, 180 और 270, और इनके डिस्टेंसेस जो हैं वो 50-50 इक्वली आ रहे हैं। अब यहाँ से अगर आप पार्ट को लेट सपोज मैं 45 लिख के एंटर करता हूँ और प्रीव्यू करता हूँ, तो सिर्फ ये पार्ट रोटेट हो जाएगा। इसी तरीके से इसको मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जनाब 90, ठीक है, तो ये पार्ट कुछ इस तरीके से हो गया। यहाँ से हम इसको कर देते हैं जनाब 90। अब देखें पार्ट की डायरेक्शन जो है बिल्कुल चेंज होती जा रही है, इन सबको मैं 90 डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये पार्ट आ गया। सर्कुलर के ऑप्शन के अंदर जाके ये या तो कांस्टेंट डायरेक्शन आएगी, सबकी डायरेक्शन जो है वो इस प्रोफाइल की एक तरफ है, और रेडियल पे करने पे क्या होगा, ये बेसिकली रोटेट होता जाएगा पार्ट, हर पोजीशन पर जो है वो रोटेट हो जाएगा। जबकि वेरिएबल के ऑप्शन में जाके हम यहाँ से पार्ट की ओरिएंटेशन बिल्कुल डिफरेंट डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये इस वक्त जो ये प्रोफाइल है ये आउटसाइड इसकी होगी डायरेक्शन, और अगर इसी को मैं यहाँ पर 180 कर दूँ तो इन सब की डायरेक्शन अंदर की तरफ आ जाएगी। तो बेसिकली आपने ये देखना है कि आपने इंजेक्शन पॉइंट कहाँ पे रखना है, और उसके अकॉर्डिंग इसकी रोटेशन आपने सेट करनी है। ये 180 डिग्री हो गया, लेट सपोज हम कर देते हैं 270, तो अब इन सब की डायरेक्शन जो है वो इनसाइड हो जाएगी। ठीक है, ये देखें, तो इस तरीके से आप वेरिएबल के ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सर्कुलर पे क्लिक करके फिर वेरिएबल के ऑप्शन में आएंगे तो आपके पास ये एंगल का ऑप्शन आएगा। अगर आप सिंगल से डायरेक्ट जो है वो इधर आएंगे तो एक रोटेशन आएगी पार्ट
पार्ट की अपने सेंटर एक्सिस के अराउंड, और दो ट्रांसलेशन आएंगी आपकी, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, आप लेआउट की अच्छे से प्रैक्टिस करें, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, आपने बेसिकली मोल्ड डिजाइनिंग की थ्योरी अच्छे से पढ़नी है। देखें डिफरेंट लेआउट यहाँ पे डिजाइन कर रहा है। अब ये देखें सर्कुलर फॉर्म में पार्ट है, और ये सेंटर में जो है वो इसका स्प्रू है, और देन फिर ये यहाँ पे रनर डिजाइन होगा। डिफरेंट लेआउट बने हुए हैं, उस हिसाब से पार्ट की पोजीशन भी डिफरेंट है। तो पहले तो आपको एक्चुअली में पता होना चाहिए कि पार्ट का लेआउट हमने कैसे सेट करना है। ये देखें कितने तरह के डिजाइन बने हुए आ रहे हैं, और ये बेसिकली डिपेंड करेगा कि आपके पार्ट की ज्योमेट्री क्या है, नंबर ऑफ कैविटीज क्या है, तो उनकी प्लेसमेंट फिर हम आपने डिसाइड करनी होगी किस तरीके से रखनी है। मैक्सिमम पार्ट जो है वो एक एरिया के अंदर किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस जो है वो वेरिएबल के अंदर कवर हो जाएंगे, जितने भी ये बने हुए आ रहे हैं, ये देख रहे हैं आप। तो बेसिकली आपने इनका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पहले निकालना है, फिर वहाँ पे वेरिएबल में जाके डिफाइन करना है। तो यहाँ से गूगल करके आप डिफरेंट लेआउट जो है वो निकाल सकते हैं, और वेरिएबल के ऑप्शन या सर्कुलर या रेक्टेंगुलर ऑप्शन को यूज़ करते हुए ये तमाम लेआउट आप डिज़ाइन करें, ठीक है। तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अस्सलामुअलैकुम।